नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों ठीक 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इस फिल्टर के ऊपर, जिसमें मैंने इस फिल्टर की पूरी डिटेल आपसे शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि आपके घर की जो मेन टैंक है पानी की, उसे ठीक पहले इसको इंस्टॉल करना होगा, जिससे कि जो धूल मिट्टी आपके पानी की टैंक में जाने वाली होती है वो इसी फिल्टर में फिल्टर हो सकती है। तो ठीक 4 महीने के बाद आज हम लोग इस फिल्टर को ओपन करेंगे और देखेंगे कि अंदर जो एक बैग का फिल्टर है उसकी हालत कैसी है। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बैग को फिल्टर के अंदर से बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हो ये कितना खराब हो चुका है। इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और अगर मैं इस फिल्टर को अपने टैंक के आगे नहीं लगाता तो ये सारी की सारी जो धूल मिट्टी है वो मेरे टैंक के अंदर चली जाती और टैंक में से हमारे घर के अंदर जो नल है, हमारा वॉशिंग मशीन है, फिल्टर मशीन है, उसके अंदर ये सारी धूल मिट्टी जाती और वो सारे नल और जो वॉशिंग मशीन और जो फिल्टर मशीन है उसकी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये बैग फिल्टर जो है हमारे टैंक के ठीक पहले इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इस बैग फिल्टर की हालत देख के मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे वापस इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि यहाँ पे मेरे पास एक और बैग फिल्टर है जो मैंने अलग से परचेस किया हुआ है। ये आपको मार्केट में अलग से मिल जाएगा, इसकी कीमत जो है वो 350 रुपया है। तो यहाँ पे आप इसका फर्क भी देख सकते हो, ये वाला फिल्टर जो है वो पहले ऐसा ही था और अभी जो इसकी हालत है बहुत ही खराब हालत है। तो मैं इसको सीधा रिप्लेस करने वाला हूँ इस बैग फिल्टर से और मैं इसे वापस से धोने की कोशिश करूँगा, इसको क्लीन करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं ये कितना क्लीन हो पाता है। लेकिन फिलहाल मैं इसको रिप्लेस करूँगा इस बैग फिल्टर से और वापस से मैं इसको अपने टैंक के आगे फिट कर दूँगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने इस बैग फिल्टर को क्लीन करने की कोशिश तो की लेकिन ये इतनी अच्छी तरीके से क्लीन नहीं हो पाया है और अभी भी कुछ धूल मिट्टी अभी भी इसके साथ लगी हुई है। तो इससे अच्छा है कि मैं ये नया वाला जो फिल्टर है इसी को मैं रिप्लेस कर दूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने फ़िल्टर को वापस से इंस्टॉल कर लिया है और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि ये फ़िल्टर जो है वो कितने काम का है, सिर्फ वही मुझे आपको दिखाना था, क्योंकि कुछ लोगों ने लिखा था कि ये फ़िल्टर जो है किसी काम का नहीं है लेकिन इसकी हालत देख के हमें पता चलता है कि ये कितने काम का है। और अगर आपको इस फ़िल्टर को परचेस करना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसकी लिंक दे दूंगा, अमेजोन से आप परचेस कर सकते हो। अमेजोन पे आपको ये 1300 रुपये से लेके 2400, 2500, 3000 तक के मिलते हैं लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो अलग अलग हो सकती है। तो आप चाहे तो 1300 रुपये वाले परचेस कर सकते हो, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप इसे रिटर्न भी कर सकते हो। मैंने इसे लोकल शॉप से परचेस किया हुआ है तो फिल्टर की जो कीमत है वो 2400 रुपया है और इसकी जो अंडर फिल्टर बैग आती है इस तरह की, अभी जो मैंने इसको रिप्लेस किया वो 350 रुपये में मिलती है। तो मेरी सलाह आपसे ये है कि आपकी जो लोकल शॉप है जहाँ पे फिल्टर मशीन मिलते हैं उनसे जाके पूछिए इस फिल्टर के बारे में, वो आपको शायद इससे भी सस्ता दे सकते हैं और फिल्टर बैग भी आपको उसी से मिल जाएगी। और कोई मन में सवाल है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।